उत्तर प्रदेश में बीटीसी बीएड को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं चल रही है, उसमें सबसे बड़ा यह है, क्या बीएड का भविष्य खतरे में है? क्या उत्तर प्रदेश में जो नया शिक्षा चयन आयोग गठित हो रहा है उससे जो पीआईटी की भर्ती होगी क्या उसमें बीएड को सम्मिलित नहीं किया जाएगा? क्या बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के 2 वर्ष खराब होने वाले हैं? क्या उनको अब पीआईटी मौका नहीं मिलेगा? तमाम तरह के ऐसे सवाल हैं जो बीएड के अभ्यर्थी, बीटीसी के अभ्यर्थी, डीएलएड के अभ्यर्थियों में कहीं ना कहीं उन्हें परेशान करके रखा है और वो खुद से टूटते जा रहे हैं। एक तरफ शिक्षक भर्ती परीक्षा नहीं आ रही, दूसरी तरफ इस तरह से खबरें आने के बाद कहीं ना कहीं वो टूटते जा रहे हैं लगातार। तो आज हम इस वीडियो में, इस सेशन में आपके सभी सवालों का जवाब देंगे कि इस समय जो बीटीसी बीएड का मामला चल रहा है उसका वास्तविक निचोड़ क्या है और ये किसके पाले में गेंद जा रही है। सबसे पहले इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक नहीं किया तो लाइक करके रखिएगा, अगर चैनल पर नया है ना तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिएगा। जी हाँ, सबसे पहले क्रम से जान लीजिएगा कि बीएड का भविष्य क्या खतरे में है। तो इसके पहले जान लीजिएगा कि जो बीएड का जो मामला है ना पूरा, ये 28 जून 2018 को एनसीटी की गाइडलाइन के आधार पर प्राथमिक में बीएड को सम्मिलित किया गया था। उसके आधार पर उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती भी हुई थी और साथ ही साथ अन्य राज्यों में भी इसके साथ इसको फॉलो किया गया था। कई राज्यों में इसको लेकर विवाद था कि बीएड के अभ्यर्थी जूनियर में और बीटीसी डीएलएड के प्राइमरी में, या डीएलएड के अभ्यर्थियों को भी टीजीटी पीजीटी में भी मौका दिया जाए क्योंकि वो भी 2 वर्ष का प्रशिक्षण लेते हैं, हो सकता है उनके लिए ब्रिज या ओवर ब्रिज कोर्स कराया जाए। ऐसे तमाम तरह के विवाद सालों से चले आ रहे थे। उस सालों से चले आने के दौरान ये मामला राजस्थान के हाईकोर्ट से निकलकर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में लंबी सुनवाई के बाद ऑर्डर रिजर्व हो गया है और उस पर फैसला सुरक्षित है, जल्दी जजमेंट डिलीवर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं इस माह के अंत तक आपको बीटीसी बीएड का जो जजमेंट है वो आ जाएगा। उस जजमेंट के इंतजार में कई बातें हवाओं में उड़ती जा रही हैं, जिसमें आज सुबह से ही आपने देखा होगा अखबारों में, न्यूज में कई तरह से चल रहा है कि बीएड का भविष्य खतरे में है। अब सीटेट की जो मार्कशीट, क्योंकि कुछ लोगों का कहना कि सर मार्कशीट तो मुझे रिजल्ट मैंने देख लिया है, तो जो मार्कशीट है वो रोके जाने की बात कही। सीटेट जो भी बीएड के अभ्यर्थी हैं उन्हें पीआईटी की जो मार्कशीट है वो न जारी किया जाए, ऐसा आपने देखा होगा। प्रतीक मिश्रा के में विवाद में हाईकोर्ट ने ये अपनी टिप्पणी किया है या अपना आदेश दिया है, तो उससे बीएड के अभ्यर्थियों में एक खलबली सी मच गई है कि उनके भविष्य पे क्या एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है, अब उनके भविष्य का क्या होगा। साथ ही साथ एक मैसेज और तेजी से वायरल हो रहा है कि केवीएस की जो केवीएस की पीआईटी की परीक्षा हुई है उसमें यह भी कहा जा रहा है कि जब तक हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जो हाईकोर्ट का फैसला जो बीएड बीटीसी का है सुप्रीम कोर्ट में है, जो ऑर्डर रिजर्व हो गया, जब तक जजमेंट ना आ जाए तब तक के लिए रिजल्ट को रोका जाए। इस तमाम तरह की बातों के बीच अब अंतिम में क्या होगा, वास्तविकता क्या है, इसको लेकर हम ये वीडियो आपसे क्लियर लेकर आए हैं। तो हो सकता है इस वीडियो के अंत तक आप बने रहेगा, आपके सभी सवालों के एक एक करके क्रमवार से जवाब देंगे। पहली बात तो ये जान लीजिएगा कि जब तक जजमेंट नहीं आ जाता तब तक केवल केवल हवा में उम्मीदों को पुल बनाए जा रहे हैं, उस पुल पर ही लोग तैर रहे हैं और दौड़ भी रहे हैं, और ये पूरी तरह से ये ख्वाबों के पुल है क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश, उनके ऑर्डर के आधार पर ही यह तय हो पाएगा कि उत्तर प्रदेश के साथ पूरे भारत में प्राथमिक में बीएड वैलिड है अथवा नहीं। अब एक बात आता है कि अगर नहीं वैलिड होगा तो क्या होगा, तो देखिए कई बातें क्रम से हैं और कई बातें आपके लिए भी आ रही हैं। दूसरी बात यह आ रही है कि सर अगर उत्तर प्रदेश में नया सेवा चयन आयोग बनेगा, शिक्षा चयन सेवा चयन आयोग बनेगा, उसमें नई शिक्षक भर्ती जो होगी उसमें सुपरटेट नहीं होगा, ऐसे तमाम तरह की खबरें यूट्यूब, फेसबुक, अन्य सोशल मीडिया पर आपको तैरती हुई मिल रही होगी। तो पहले बात क्रम से समझने का प्रयास करिएगा। यूपीटेट 2021 के परिणाम को हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया कि अभी जब तक सुप्रीम कोर्ट, उसमें हाईकोर्ट में मामला था, सुप्रीम कोर्ट में गया था, जब तक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं आ जाता तब तक बीएड के अभ्यर्थियों को यूपी टेट पीआईटी की प्राथमिक की पेपर फर्स्ट का परिणाम न जारी किया जाए। तो शायद आप लोग को भी पता होगा यूपीटेट 2021 की मार्कशीट आप लोग को नहीं मिल पाई है और बीएड के अभ्यर्थी अभी तक रिजल्ट भी अपना नहीं देख पाए प्राथमिक का। इस आधार पर उत्तर प्रदेश में अभी अगली टेट परीक्षा नहीं हुई, उस परीक्षा के बीते लगभग 1.5 साल का समय बीत चुका है, उत्तर प्रदेश में पात्रता परीक्षा नहीं हो पाई है। उसका पहला कारण यही था कि उत्तर प्रदेश में अभी 2021 की मार्कशीट ही उपलब्ध नहीं कराई गई है अन्य अभ्यर्थियों को। इस वजह से जब तक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं आता है तब तक उत्तर प्रदेश में अगली यूपीटेट परीक्षा नहीं होगी और यूपीटेट परीक्षा जजमेंट के बाद होगी, और जब तक यूपीटेट परीक्षा नहीं होगी तब तक नया शिक्षक भर्ती परीक्षा नहीं होगा। तो कई बातें ऐसे हैं, एक तरफ अनुपात समानुपात की बात चली है कि दूसरी तरफ जो सबसे बड़ा इशू है, जो सबसे बड़ा मुद्दा है, वह बीटीसी बीएड
का जो मामला सुप्रीम कोर्ट में है, तो इससे एक बात साफ और स्पष्ट हो गया है कि अब क्या होगा इस पर भी आपको जानना है, क्योंकि 28 जून 2018 की जो अधिसूचना था ना, इसको चैलेंज किया गया है और मेन मामला यहीं से चल रहा है और यह 69,000 की भर्ती से लगा हुआ मामला है। इसलिए 69,000 के अभ्यर्थी इस बात से डरे हैं, जो बीएड के अभ्यर्थी हैं उन्हें भी बार बार डर लगता है क्या उनके ऊपर भी इस संकट के बादल का असर होगा। दूसरी सबसे बड़ी बात, केवीएस में भी क्या उनका रिजल्ट नहीं जारी किया जाएगा जो बीएड के अभ्यर्थी हैं? तो आपने भी देखा होगा चाहे सीटेट का नोटिफिकेशन रहा हो चाहे केवीएस का नोटिफिकेशन रहा, उनमें साफ साफ इन बातों को मेंशन किया गया था। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, अगर बीएड के अभ्यर्थी हो, डेलेड है, पीटीसी, ध्यान रखिए, माननीय न्यायालय पर भरोसा रखिए, फैसला सभी के हित में होगा, पूरे देश के हित में होगा और पूरे देश के लोगों के लिए होगा और सबको माननीय न्यायालय के फैसले को सम्मान भी करना है और हम भी और आप सभी भी माननीय न्यायालय का और न्यायालय के फैसले का सहित सम्मान करते हैं। तो इसलिए किसी भी अफवाहों से बचिएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि लोगों का में कहना और लोग कहेंगे क्योंकि लोग कहना ही चाहते हैं। तो हमारा काम है, आपका काम, अपने स्वविवेक का प्रयोग करिए, मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। अगर आपके मन में थोड़ा सा डर है कि हो सकता है बीएड के विरोध में फैसला आ जाए, उनके विपरीत कोई फैसला आ जाए, उनके सोच से अलग फैसला आ जाए, उस दशा में क्या करेंगे? तो बहुत सारे लोग अपना अपना काम कर रहे होंगे, लेकिन मेरा सुझाव है कि उत्तर प्रदेश में प्रत्येक ब्लॉक में खंड शिक्षा अधिकारी की नियुक्ति होती है और खंड शिक्षा अधिकारी की नियुक्ति 2020 में हुई थी, शायद आपको याद होगा, हाल फिलहाल में अधियाचन शुरू है। तो इस फॉर्म को केवल बीएड के अभ्यर्थी भर सकते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से परीक्षा होती है, ये दो स्तर परीक्षा होती है, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा। इस परीक्षा में इंटरव्यू नहीं होता, इस परीक्षा को पास करके आप उत्तर प्रदेश में ब्लॉक स्तर पर खंड शिक्षा अधिकारी बन सकते हैं, जहां पे आपके अंदर 150 से 200 विद्यालय जूनियर प्राइमरी मिलाकर होते हैं और एक अध्यापक से बढ़कर एक अधिकारी की पद है। तो जो भी अभ्यर्थी बीएड के हैं और जिनकी जीएस पे कमांड अच्छी है, जिनको ये लगता है कि 6 से 8 महीना का मेहनत करके वो इस गैप को भर सकते हैं, वो इसमें और बेहतर कर सकते हैं, अपने आप को और मजबूत कर सकते हैं, वो आज से ही खंड शिक्षा अधिकारी की तैयारी शुरू कर दें। उसमें जीएस, मैथमेटिक्स, मुख्य परीक्षा में हिंदी की भी रोल है, हिंदी की भूमिका अहम है। तो जितने भी साथी बीएड अभ्यर्थी हैं वो शुरू कर दे अभी से रेस, क्योंकि जितने दिन उन्होंने सुपरटेट को दिया, अगर उतना समय उन्होंने बीएड के अभ्यर्थी खंड शिक्षा अधिकारी में दे लेंगे तो शायद आप अध्यापक से बढ़कर एक अधिकारी होने का भी सपना पूरा कर लेंगे। और जो ऑलरेडी 69,000 में चयनित है बीएड के अभ्यर्थी, क्योंकि केवल बीएड के अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो बीएड के साथ डीएलएड है, बीटीसी है, वे आरओ में भी देख सकते हैं, लेकिन बीएड के अभ्यर्थियों के लिए प्रॉपर है। कई बार ये मांग है कि डीएलएड बीटीसी की कि सर उन्हें भी टीजीटी, पीजीटी, बीओ आदि में मौका मिले, उन्हें भी 6 महीने का प्रशिक्षण, कोई ब्रिज कोर्स या ओवर ब्रिज कोर्स, इस तरह के कोर्स करा लिए जाए। तो इस तरह को इसी मामले को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर को रिजर्व किया गया है और ऑर्डर जल्द ही डिलीवर होगा, हो सकता है इस माह के अंत तक या मई माह के पहले या दूसरे सप्ताह में सुप्रीम कोर्ट आपको ऑर्डर डिलीवर कर दे और पूरे भारत में बीटीसी और बीएड का विवाद पूरी तरह से समाप्त हो जाए। इसलिए आप सभी लोग ध्यान रखिएगा और आप लोग चाहे बीटीसी हैं चाहे बीएड है, अपनी पढ़ाई पर फोकस करिएगा, फैसले के अधीन सब कुछ होना है और फैसला जो होगा वो सबके हित में होगा, देश हित में होगा, राष्ट्र हित में होगा, व्यक्ति हित में होगा और आपके हित में होगा। और जब ये सारी बातें आप जान रहे हैं तो सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करिए, आप अपना बेहतर और बेस्ट दीजिए, क्योंकि अभी भी आपके पास समय है कुछ बड़ा और बेहतर करने के लिए। हो सकता है मेरी बात आपको बुरी लगे, हो सकता है मेरी बात का कुछ पहलू आपको अंतर्कण को आपको व्यक्तिगत रूप से आहत भी कर सकता है, लेकिन मेरा उद्देश्य है आप पढ़ते रहिए। हो सकता है न्यायालय बीच का रास्ता निकाले, हो सकता है न्यायालय किसी एक के पक्ष में फैसला दे दे, हो सकता है न्यायालय आप सभी का सम्मान करते हुए आप सभी के इच्छा के अनुरूप फैसला दे दे। इसलिए आप घबराइए मत, तैयारी करते रहिए, क्योंकि जो आप पढ़ेंगे, जो आप मेहनत करेंगे, ये कोई बांट नहीं सकता, इसे कोई एक दूसरे को दे नहीं सकता। तो जब आप सारी बातें जानते हैं तो फिर आज से ही अपना कल क्यों खराब कर रहे हैं, आज से अपना मेहनत करिएगा। इलनी भी दुर्गेश के टेलीग्राम पर जाइएगा, दुर्गेश सर सर्च करिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन करिएगा, वहां पे डेली निशुल्क क्लासेस मिलती हैं, मैं भी गेस्ट के रूप में आपको पढ़ाता हूं। इसमें भारतीय संविधान की सीरीज प्रतिदिन रात 9 बजे चल रही है और उसके जगह आप तो आज वीडियो आप देख पा रहे हैं और बहुत सारी क्लासेज हैं, पूरा सिलेबस है, एक बार आप खंड शिक्षा अधिकारी का सिलेबस देख लें, आरओ का सिलेबस देख लें, क्योंकि आपके पास समय है और इतने समय आपके तैयारी के लिए प्रॉपर और बहुत है। तो इसलिए आप लोग आज से ही अपना बेहतर और बेस्ट देते रहिएगा। आप सभी का थैंक यू। वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करिएगा, कोई व्यक्तिगत सवाल है इलनी भी दुर्गेश इंस्टाग्राम पर आप अपने मैसेज कर सकते हैं। आप बताइए कि उत्तर प्रदेश में या भारत में
इस बीएड बीटीसी को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में जो मामला है उसमें क्या हो सकता है, क्या उम्मीद लगाई जा सकती है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वे सभी कुछ नया कुछ बेहतर हमें भी बताने का प्रयास करेंगे। थैंक यू, वीडियो को शेयर करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। ध्यान रखिएगा, हो सकता है माननीय न्यायालय आपके लिए एक बेहतर और बीच का रास्ता निकाले। ठीक है, थैंक यू।